आज का हमारा जो पहला काम है, पहला हम लोग जाएंगे कुछ शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग करने के बाद अगर टाइम हुआ तो मैं आप लोगों को कोई एक अच्छा सा प्लेस घुमा के लाऊंगा। तो इनका बात शायद अब पूरा हो गया है तो हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में। मेरे को भी दीजिए। तो पानी पी के आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपना मॉल के पास और ये रहा वो मॉल। अभी जाएंगे शॉपिंग करने। ये अभी भी फोन में व्यस्त है और मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं ये जाता है भुवनेश्वर के लिए। और अगर आप इस फ्लाईओवर से जाएंगे तो आप भुवनेश्वर जाएंगे। और अभी हम लोग हैं इस मॉल के सामने, विशाल मेगा मार्ट। कौन फोन कर रहा है, इतना याद कर रहा है आपको? तो अभी हम लोग शॉपिंग करके निकल आए हैं। ये रहा अपना बैग, पूरा शॉपिंग हो गया। अब कहीं जाएंगे अच्छे से प्लेस में घूमने के लिए। और इधर का वेदर बहुत ही मस्त हो गया, अभी बारिश हो गया चारों तरफ तो वेदर पूरा कूल है। और आप देख सकते हैं कैसा बारिश के वजह से जगह कैसा हो गया है, चारों तरफ पानी। और थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे कहीं एक अच्छे से प्लेस पर। तो अभी हम मैं गया था एक्चुअली में एटीएम, लेकिन वहाँ पर कैश अवेलेबल ही नहीं है और यहाँ पेटीएम में कुछ खाने का मिल नहीं रहा। तो देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। तो अभी एक और एटीएम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पैसा निकलता है कि नहीं। यहाँ भी पैसा नहीं है, यहाँ भी पैसा नहीं निकला। अब हम लोग देखते हैं किसी दुकान वाले से एक्सचेंज करा लेंगे उससे फोन पे करके। अभी हम लोग सोच रहे हैं एक जगह जाने का, लेकिन अब वेदर देख सकते हो वेदर कैसा है। तो मेरा मन थोड़ा नहीं है, पर ये बोल रहे कि जाएंगे। कुछ नहीं होगा तो ना कुछ नहीं होगा तो रिस्क लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर ही है, तो देखते हैं। और कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे अपना डेस्टिनेशन। और ये जगह आप देख लो कितना मस्त है। ये रहा अपना बाइक और मेरे पीछे आप देख सकते हो डेंस फॉरेस्ट है और हल्का हल्का बारिश जो है वो गिर रहा है। तो एक्चुअली मैं इस जगह पे पहले भी आ चुका हूँ, पर मैं इस बार उस जगह नहीं जाऊँगा। मैं अभी दूसरे जगह जाने का सोच रहा हूँ। तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल्डिया डैम। बाल्डिया एक्चुअली में यहाँ पर नेट काम नहीं कर रहा, तो गूगल मैप में हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। तो किसी से पूछना होगा या फिर देखते हैं कुछ जुगाड़ लगाते हैं। काफी घना जंगल है यहाँ पर, पता नहीं लोग कैसे रहते हैं। लाइफलाइन से दूर, शायद इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ नहीं पहुँचती होगी।
तो फाइनली हम लोग आ गए हैं डैम के साइड में, आप देख सकते हो ये डैम, और ये रहा डैम का कुछ नज़ारा। तो एक्चुअली में हम लोगों ने गलत रोड ले लिया था, वो रोड इतना ज़्यादा ख़राब था कि आने में बैंड बज गया। फिर फाइनली लेकिन हम लोग पहुंच गए यहाँ पर, और अभी उस रोड से नहीं जाएंगे, अभी दूसरा रूट लेंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये डैम, अभी मानसून के टाइम में यहाँ का जो फ्लो है पानी का वो बढ़ जाएगा, लेकिन अभी उतना बड़ा नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे उतर सकते हैं, ये रहा वो डैम। और आपको वहाँ दूर में उन पहाड़ों के ऊपर हल्का क्लाउड दिख रहा होगा, काफ़ी मस्त नज़ारा है। और अभी हम लोग यहाँ थोड़ा देर रुकेंगे, बहुत भूख लग रहा तो अपने साथ जो लाए हैं उसे खाएंगे। हमने अपने साथ कुछ ले लिया था खाने का, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है खाने के लिए। तो अभी हम यहाँ नीचे उतर के देखते हैं, चलो स्लिप हुआ तो डायरेक्ट नीचे, और मेरा शू काफ़ी स्लिपरी है तो थोड़ा संभल के उतरना होगा। पानी इधर से आता है, और ये वाला सारा जो एरिया है ये आपको जब एक्सट्रीम मानसून गिरता है तो आपको पूरा फुल दिखेगा, और यहाँ पानी का फ्लो भी काफ़ी तेज रहता है उस टाइम। तो आज हम लोग को आने में बहुत ज़्यादा मुसीबत हुआ इस रास्ते में, इस ऑफ रोडिंग करना पड़ा पूरा, वही एक हम लोग का सबसे रिस्की जर्नी रहा, बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है। और आप देख सकते हैं उधर कुछ लोग वहाँ फिशिंग कर रहे हैं। ये जगह अच्छा है काफ़ी टाइम स्पेंड करने के लिए, और कुछ लोग यहाँ आते हैं अपना वीकेंड्स में एंजॉय करते हैं। तो हम भी कोई अच्छा सा प्लेस खोज के वहाँ पर, क्या चीज़ बोलेगा, बहुत पीसफुल एरिया है। हाँ पीस भी है और फूल भी है, तो हम लोग कोई अच्छा सा जगह देख के वहाँ खाने पीने का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअली मैं हमारा कुछ सामान जो है बाइक पे छूट गया है, तो हम लोग उसे मैं उसे जा रहा हूँ वापस लेने, तो वही ठीक रहेगा। तो हमने अपने सामान जो है वहीं छोड़ दिया था, सारा खाने पीने का सामान इसी पिटारे में है, और अब चलते हैं कोई अच्छा सा प्लेस खोज के बैठेंगे। तो अभी हम लोग खाना खा चुके हैं, यहाँ पर बैठ के हमने अपना डिनर कर लिया है, डिनर सॉरी लंच कर लिया है, एंड आप देख सकते हो ब्यूटीफुल व्यू। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापस घर की ओर, तो थोड़ा सा और दूर तक शूट करूँगा, उसके बाद मैं अपना ब्लॉग एंड कर दूंगा। तो आगे देखते हैं यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये देखिए कितना सीरियस है, उधर कैमरा घूमे। तो कुछ भाई लोग वहाँ पर टिकटॉक शूट कर रहे, तो सारा का नज़र उधर ही है, बट हमें क्या। तो फिर नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, जाएंगे शादीपुर बर्नीपाल मेरुघाटी। नेक्स्ट ब्लॉग तो आप लोगों को मेरुघाटी का देखने को मिलेगा, वो नज़ारा भी थोड़ा दिखाइए जो कि अच्छा मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी में है।
और इधर भाई लोग और बहन लोग टिकटॉक की वीडियो बना रहे। और वो डांस से तो मतलब ज्यादा स्ट्रगल कैमरा में हो रहा है। हाँ यहाँ तो लाइट ठीक आ रहा है। तो वापस हम लोग रिटर्न जा रहे हैं इन नज़ारों को देखते हुए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो बारिश फिर से स्टार्ट हो गया है और हम लोग यहाँ पर रुके हैं और ये जो आज का ट्रिप था उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मिलूंगा एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। लोग फाइनली पहुंच चुके हैं वापस घर अपना जर्नी कंप्लीट करके और ये रहा हमारे साथ। वो शर्मा रहा है अपना। ए मटो चल आ आ आ चल चल तो अपना ये ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।